हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तैयार हो ना हो लेकिन पता होना चाहिए, नाम से पता लग रहा है भाई, पोजीशन वेक्टर। अब जैसे कि थोड़ा सा आइडिया तो हो रहा है कि ऐसा वैक्टर जो पोजिशन बताता है। ठीक है, मैंने कहा भाई ठीक है, पोजिशन, अच्छा पोजिशन जो है इसका हमारे पास इंग्लिश में दूसरा नाम होता है लोकेशन। ठीक है, यानी कि ऐसा वेक्टर जो पोजीशन बताता है, वेक्टर विच टेल्स यू पोजीशन, अ वेक्टर इट टेल्स यू पोजीशन। ठीक है, अब आगे इसमें नई चीज क्या है, वो तो कोई भी वेक्टर बता सकता है। ये देखो, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाई है, ये एक्स है, ये ओरिजिन है। अच्छा, यहां पर हम कोई पॉइंट बना देते हैं, ये एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा, इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके नाम दे देते हैं हम 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक्स के पॉइंट है, ये वाई के पॉइंट है। अब मैं आपको कह देता हूँ कि भाई पॉइंट पी की क्या पोजीशन है, तो यार बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा यार, पूछेगा कि भाई कहाँ से। मैंने कहा यार कहाँ से क्या मतलब, वो कहेगा सर आप मुझे ये बताओ, लेट्स सपोज ये जो पॉइंट पी है, ये कोई एक स्टूडेंट बैठा है क्यू, एक और स्टूडेंट बैठा है, वो कहेगा सर ये आर स्टूडेंट से लेट्स सपोज 5 मीटर दूर है, पी क्यू स्टूडेंट से 4 मीटर दूर है। मैंने कहा, और उसने कहा सर ये जो पॉइंट फाइव है इससे इतनी दूर है, इस पॉइंट टू से इतनी दूर है। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है। मैंने अच्छा, मैंने आप दोनों से पूछा, मैंने कहा हाँ भाई क्यू मुझे ये बता पॉइंट पी की पोजीशन क्या है, और आर को पूछा भाई आर तू बता पॉइंट पी की पोजीशन क्या है। उसने कहा सर मेरे से तो वो 5 मीटर दूर है, उससे 4 मीटर दूर है। मैंने कहा यार मुझे बता मैं वहाँ पर लिखूँ क्या कि भाई पी की पोजीशन क्या है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक नया वैक्टर निकाल लिया, उस वैक्टर का नाम है जी पोजिशन वैक्टर। उसने कहा भाई इसमें काम क्या है, इसका रोला क्या है। उसने कहा ये सर पता क्या करता है, ये आपको किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताएगा। मैंने कहा कहाँ से, वो आगे लिखता है विद रिस्पेक्ट टू किसके, ओरिजिन के। मैंने कहा ओरिजिन से, कहता सर ये ओरिजिन से बताएगा कि भाई कितनी दूर है। मैंने कहा हाँ भाई कितनी दूर है। उसने कहा सर ये ओरिजिन से लेट्स सपोज 3 मीटर दूर है। मैंने कहा फिर, मैंने कहा लेकिन आर और क्यू में क्या मसला। उसने कहा सर ये स्टूडेंट है, ये क्या पता यहाँ पे ना आए हो, थोड़ी देर के बाद ये पी के पास बैठ, पास वाले बेंच पे जाकर बैठ जाए, और सर पहले मैंने 5 बताई थी, अब मेरी 2 है, ये तो चेंज हो रहा है। मैंने कहा हाँ यार। उसने कहा सर ये जो ओरिजिन है ना भाई, ये सर ये फिक्स है, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके अगर आप 3 मीटर दूर डिस्टेंस पे बनाओगे इन कोऑर्डिनेट्स पे, तो इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स आएगी। ये ऐसा वेक्टर है जो हमेशा आपको फिक्स लोकेशन या पोजीशन देता है। इस वेक्टर का नाम क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया। अब इसको हम वेरिएबल्स के सेंस में लिखते हैं। अब आपको पता है कि जो पॉइंट पी है इसके कुछ ना कुछ इधर कोऑर्डिनेट होंगे। अब मैं कह देता हूँ कि भाई ये जो इधर से है वो 1.5 और इधर से 2.8, यानी कि ये इसके कोऑर्डिनेट है। पहला आपको पता है एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तो 1.5 एक्स पे और 2.8 इस पे वाई पे। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये कोऑर्डिनेट लेकर इसकी पोजीशन को बनाओगे, तो ये देखो इसमें एंगल की भी जरूरत नहीं पड़ रही हमें, बस इन कोऑर्डिनेट्स को आपने एक पॉइंट रखना है और ओरिजिन पर एक लाइन ड्रा कर देनी है। तो यहाँ पर जो वेक्टर बनेगा इसका नाम क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। यानी कि ये सिर्फ कोऑर्डिनेट पे चलता है और ओरिजिन से चलता है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर। अब मैं आपको जो बुक ने डायग्राम बनाई है ना वो बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इसमें ये भाई एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है जी पॉइंट पी, और ये 2 डायमेंशन सिस्टम में है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने करना कुछ भी नहीं, आपने ओरिजिन से इस पॉइंट तक ना एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, फिर गलत होगी, कोई नहीं होता रहता है, अबे यार फिर गलत हो गया। तो हम पॉइंट को इधर ले आते हैं, लो भाई ये पॉइंट पी है। तो ये जो पॉइंट पी है ये यहाँ पर अब हमारे पास वेक्टर, लेकिन वेक्टर की ये शक्ल नहीं होती। वेक्टर की शक्ल आपने कहा था सर ऐसी होती है कि एक आगे क्या लगा होता है एरो। तो ये जो वेक्टर बना है इसका नाम है पोजीशन वेक्टर। मैंने कहा इसका नाम क्या होगा, इसने कहा सर इसको ना मोस्टली हम आर से इंडिकेट करते हैं, पोजीशन वेक्टर आर। तो ये क्या है, आर किसके बराबर है, यहाँ पर आर पोजीशन वेक्टर हमारे पास बराबर है ओ पी लाइन के। ठीक है जी, अब पी पर कुछ ना कोई दो पॉइंट भी होंगे, तो पहला एक्स होता है, दूसरा वाई, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे पी ब्रैकेट ए बी,
ए इम्प्लाइज दैट कि ये एक्स होगा और वाई क्या होगा आपके पास बी, यानी कि जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट का नाम है ए और बी, ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर का नाम है आर या ओपी, और इसकी जो लेंथ होगी वो आप निकाल सकते हैं। मैंने कभी वो कैसे निकाल सकते हैं, उसने कहा सर इस वैल्यू को, इस वेक्टर से आप इसकी लेंथ भी यानी कि मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो डायरेक्शन में। मैंने कभी वो कैसे, उसने कहा सर करना कुछ भी नहीं है, आपने इस वेक्टर को इसकी असली शक्ल में लिखना है। मैंने कहा यार ये तो ए भी है, इसकी शक्ल क्या होगी। उसने कहा सर अब आप यूज़ करोगे पिछले नॉलेज को, यूनिट वेक्टर वाले नॉलेज को। मैंने कहा वो क्या था, उसने कहा सर ये देखें आर आपने लिखना कैसे है कि जो फर्स्ट है ए उसको ऐसे ही रहने देना है, ए आपको पता है एक्स पे है तो एक्स की डायरेक्शन के लिए क्या आता है आई प्लस, अब प्लस क्या है बी, बी कहाँ पर होता है वाई पे, तो जी ठीक है इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर आर है इसकी क्या वैल्यू आगी ए आई प्लस बी इंटू जे। तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड, उसने कहा सर याद करें अभी प्रीवियस टॉपिक, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपने मैग्नीट्यूड को बगैर उसके लिखते हैं वेक्टर की शक्ल में, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो और दूसरे कंपोनेंट का, तो ये क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। याद आया, मैंने कहा था सिर्फ आपने उसे याद रखना है, तो ये आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैंने कहा डायरेक्शन, उसने कहा सर डायरेक्शन के लिए वही फार्मूला दोबारा लगा था, टेन इनवर्स इधर क्या आ जाएगा बी ओवर ए, बी इसका वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट क्या है ए। उसने कहा सर छा गए सर, यही चीज़ें तुमने पढ़ी थी, बस यही चीज़ें आपने याद रखनी थी, यहाँ से आपने इसका क्या निकाल लिया मैग्नीट्यूड। अच्छा इसमें थोड़ी सी और कन्फ्यूजन बता दूँ, अगर कोई बंदा कहता है सर ये ए है और ये माइनस बी है, वैसे माइनस बी इधर नहीं आएगा क्योंकि जो वाई है वो नेगेटिव है, वो इस हमारे इसमें आएगा इस सिस्टम में, तो मैं ये वैक्टर को इधर ड्रा कर देता हूँ, एक सेकेंड इस वैक्टर को इधर ड्रा कर देता हूँ, लेट सपोज ये वैक्टर इधर ड्रा है ऐसे करके, ठीक है उधर भी माइनस बी है लेकिन वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि साइंटिफिकली वो गलत हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इधर लिख देते हैं ए इंटू माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होंगे, अब उसमें ऐसा करना कुछ भी नहीं है, जो बी है उसको माइनस से आपने रिप्लेस कर देना है, तो ये वैक्टर अब ऐसे लिखा जाएगा बी के साथ एज माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड चूंकि आपको पता है नेगेटिव नहीं होता तो क्या होगा ये आ जाएगा माइनस बी का होल स्केयर, तो माइनस बी का होल स्केयर जब आप करेंगे तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक जस्ट माइनस, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं होगा, सारा कुछ वही रहेगा, कहानी वही रहेगी, ठीक है। ये आपका जो सिस्टम था ये था टू डायमेंशन, कौन से वाला भी हमने पढ़ा टू डी। उसने कहा सर अगर हो थ्री डी फिर क्या कहानी है। मैंने कहा यार थ्री डी में ना एंगल्स वाला तो है नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाला लिखा हुआ और वैक्टर को कैसे लिखना है वो आपको बता देता हूँ। तो टू डी थ्री डी आपको पता है इधर ड्रा नहीं होगा बोर्ड पर, वो कुछ हो भी गया तो बड़ा ऐसे अजीब सा लगता है, ऐसे करके ड्रा होगा ना ओरिजिन एक्स जेड वाई एक्स, अच्छा आप कुछ भी रख सकते हो वो भी कोई मसला नहीं है। तो ये एक वेक्टर है, अब ये वेक्टर ऐसे करके बना हुआ है, यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें ये वेक्टर यूं करके बना हुआ है, और इसके आपको पता है यहाँ से तीन एंगल होंगे अल्फा बीटा और गामा, और ये पॉइंट पी होगा और पॉइंट पी पे तीन वैल्यू होंगे ए बी और सी। तो नाम से पता लग रहा है कि तीन कोऑर्डिनेट है, तो पहला ए आता है वो एक्स, दूसरा वाई, तीसरा आपके पास जेड में। तो फिर इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे, इस वेक्टर को लिखेंगे ऐसे भाई, वेक्टर वही नाम आर, ये सॉरी गैम है ये रहा, ये वेक्टर आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो थ्री डायमेंशन में ऐसे। उसने कहा सर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला क्या होगा, सेम वही फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर और थर्ड का, ये प्रूव नहीं है बुक में और ना ही इसके एंगल्स है, तो इसलिए इसे हम यहाँ तक करेंगे। मतलब कि अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना हो तो एक चीज़ आपको जुबानी पता हो किसी भी वेक्टर की, क्या पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर अंडर रूट, अगर दो है तो दो का स्क्वायर, सी अगर जीरो है तो वो ये बन जाएगा, अगर सी की वैल्यू है तो वो ये आ जाएगा, और ये इसके वेक्टर को लिखने का अंदाज है भैया, ठीक है। ये आपका छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था पोजीशन वेक्टर, और हमने बनाना कैसे होता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और उस वेक्टर का नाम क्या होगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी। ये आप कर लें, इसके साथ हमारे पास एक छोटी सी इसकी एग्जांपल है, वो अंडरस्टैंडिंग और बेहतर करेगी, तो आइए ज़रा उस पर नज़र आसानी डाल लेते हैं। इधर रुको भाई, अच्छा एग्जाम्पल को पढ़ता हूँ। दी पोजिशन ऑफ टू एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट, एग्जाम्पल है 2.1, पहली एग्जाम्पल है आपकी इधर, एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाई टू पॉइंट्स
अच्छा दो पॉइंट्स हैं, एक का नाम है ए 2, 3, 4 और दूसरे का नाम है बी 5, 6, 7 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो इसकी डायग्राम को मैं प्रॉपर इधर बना के दिखाता हूँ आपको। सीन कुछ ऐसे हैं कि ये हमारे पास दो एरोप्लेन्स हैं, एक एरोप्लेन है जी वो कहता है ए पे और एक एरोप्लेन है जी बी पे। ठीक है, अब ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, वेक्टर नहीं है सॉरी, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है और ये आपको पता है ओरिजिन। तो आप सबसे पहले तो इनके पोजीशन वेक्टर बनाएं और इनके जो पॉइंट्स की नाम है वो है जी 2, 3, 4 ये कोऑर्डिनेट्स हैं और 5, 6 और 7। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट है और ये इसके पॉइंट है। अच्छा आगे देखते हैं आगे की क्या कहानी है। आगे की कहानी में वो कहता है कि जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो ड्रा करें। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर ड्रा करूँ तो मुझे पता है कि ये कुछ यूँ आएगा। इसको चलो यहाँ तक कर लेते हैं, ये पॉइंट है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका यहाँ से यूँ होगा, ये इस पॉइंट बी तक का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है जी, ये पॉइंट बी का है और वो पॉइंट ए का है, ये हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर है। और इन दोनों के दरमियान का वो कहता है क्वेश्चन ये है कि आपने दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, पहला वो कहता है कि इनके पोजीशन वेक्टर बना के दिखाओ, दूसरा इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना होगा, तो वो थर्ड बनता है। अब थर्ड के लिए आपको पता है कि ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो इसका मतलब है कि इसको इधर जाने के लिए यहाँ पर एक वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। तो वो वेक्टर को मैं कुछ यूं ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब क्या बना कि इसका मतलब ये बना कि जो ओ ए ए बी और ओ बी है वो क्या है, वो असल में ये है कि जो वेक्टर ओ बी है वो उसको नाम दे लेते हैं हम आर वन का। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी आर वन, जो ओ ए है वो है जी आर टू, इसको नाम देते हैं जी हम आर टू का। ठीक है जी, और हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम नाम दे देते हैं जी आर का। ठीक है, तो यहाँ से जो वेक्टर बन रहा है इसका नाम है जी आर का। तो जो ए से बी पॉइंट के दरमियान में जो वेक्टर है इसका नाम है आर, या डेल आर कह लें, वो आपकी मर्जी है, वो कोई सोचने वाली बात नहीं इतनी। तो अब आपको पता है कि जो वेक्टर ओ से बी है ये आपके पास मैग्नीट्यूड है सम ऑफ ओ ए प्लस ए बी, यानी कि ये जो है ओ बी वेक्टर आर वन ये रिजल्टेंट है किसका, ओ से ए आर टू का और डेल आर का। तो ज़रा आप पुट करें, तो इसको मैं इधर लिखता हूँ तो यह देगा आर वन आर टू प्लस डेल आर। तो हमें चाहिए डेल आर, कि डेल आर कितना है, क्वेश्चन ये है कि डेल आर कितना है, ये नहीं है क्वेश्चन नंबर जो है वो कहता है कि डेल आर के साथ साथ डेल आर की मैग्नीट्यूड कितनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये वेक्टर पता होना चाहिए ये वेक्टर कितना है। अच्छा दूसरा साथ उसने कहा कि इसके पोजीशन वेक्टर लिख के दिखाएं, तो यार पोजीशन वेक्टर में कौन सी रॉकेट साइंस है, ये ओ बी है तो आपको पता है ये आ जाएगा 5i + 6j + 7k और इसके क्या आ जाएंगे, इसके सिंपल आ जाएंगे 2i, 3j और 4k। तो ये सिंपल से इसके पोजीशन वेक्टर लिख दिए, पार्ट ए हो गया। अच्छा ज़रा अब इसको सॉल्व करते हैं, अब हम इधर सिंपल वही अपनी मैथ लगाएंगे, इसके लिखेंगे पहले 5i, 6j, 7k -2i, 3j, 4k। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथ की तरह x में से x, y में से y, z में से z। तो x का मतलब यहाँ पर आई है तो i में से आई 5 माइनस, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 5 - 2 × i हैट, याद आएगा 6 - 3 × j हैट और याद आएगा 7 - 4 × k हैट। क्या किया मैंने, i में से i, j में से j और k में से k, अगर प्लस होता तो प्लस कर देता, माइनस है तो माइनस कर दूंगा, अगर इसके साथ माइनस होगा माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो इस तरह लिखा जाएगा। तो इसको अब लिख लो, तो ये क्या आ जाएगा 3i, 3j और 3j। इसका मतलब है कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर बनता है वो क्या बनता है, वो ये वाला वेक्टर बनता है और ये किसके बराबर है 3i, 3j और 3k। वेक्टर निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के दरमियान में जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो कितनी होगी। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या फार्मूला था, अभी हमने पोजीशन वेक्टर में पढ़ा, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, लो भाई
इसको हम लिख देते हैं, तो जो एक वेक्टर आपके पास डेल आर बन है या आर बन है, इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर नहीं बना रहा तो मैग्नीट्यूड, थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, नाइन नाइन नाइन, ठीक है, क्या आ जाएगा, थ्री अंडर रूट थ्री, आई थिंक यही बनेगा, 27 है तो थ्री अंडर रूट थ्री, और जब आप इसे लिखोगे तो आ जाएगा 3.9 यूनिट्स। तो यूनिट मीन कोई भी जो डिस्टेंस है वो मीटर में या किलोमीटर में जिसमें भी है, तो डेल आर फिर किस में आ जाएगा, सॉरी 3.9 नहीं बनता, ये 5.2 बनता है, वो कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यार ये 5.2 यूनिट्स, ठीक है, तो ये 5.2, तो आप इसे सॉल्व कर लेना तो जो आंसर आएगा वो 5.2 यूनिट्स में मीटर भी आ सकता है किलोमीटर भी, ठीक है। ये छोटी सी आपके पास एग्जांपल थी और इससे आई थिंक आपको पोजीशन वेक्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।